वेलकम टू माय चैनल प्रो टेक्निकल नॉलेज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो आज उन वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए है जो डिप्लोमा के अभी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। कल उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो आप अपने रिजल्ट को देख लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने रिजल्ट को कैसे दे सकते हैं। उसके लिए सिंपली अपने ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल काउंसिल का वेबसाइट पर जाना होगा। चलिए वेस्ट बंगाल काउंसिल का वेबसाइट है www.cte.co.in। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका ये वेबसाइट खुल चुका है। आपको नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ एक सिंपली ऑप्शन दिखाई देगा रिजल्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपको सिंपली इस क्लिक टू चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर को भरने का। चलिए मैं अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट का रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि रिजल्ट कैसे दिख। तो आप देख सकते हैं मैं रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भर चुका हूँ। आपको सिंपली चेक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, चेक रिजल्ट वाले आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट का ये रिजल्ट ओपन हो चुका है। आप इस प्रकार आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली आप प्रिंट करके इस पर प्रिंट कर भी करा सकते हैं। तो चलिए आप इस प्रकार आपने देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।